हाय फ्रेंड्स, आज कैसे सिंधी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आर्किटेक्ट निहारा और आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोसेस के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूं अलग अलग स्टेजेस जो कि इस प्रोसेस में होती है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या क्या इसमें एग्जैक्टली होता है। तो अगर आपको आपके घर का इंटीरियर डिज़ाइन करना है तो इस प्रोसेस को जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये काम किसी प्रोफेशनल को देना है, यानी किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर को देना है, या आप ये खुद से करना चाहते हैं। आप इसमें से कोई पर्टिकुलर हिस्सा भी किसी प्रोफेशनल से करवा सकते हैं और बाकी का आप खुद से कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो 8-9 साल में हमने डेवलप किया है। ज़रूरी नहीं है कि हर आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम हो, अलग हो सकता है। वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बड़ा है और कितने समय में पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सारे स्टेजेस। सबसे पहले जब हमें किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है तो एक तो वो रेफरेंस से आता है कि हमारे किसी क्लाइंट ने उनको हमारा नाम रेफ़र किया है, या तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे हमारा काम देखकर हमें फ़ोन आता है। तो फ़ोन आने के बाद हम उन्हें हमारे साइट से एक प्रेजेंटेशन मेल करते हैं जिसमें हमारा पहले किया हुआ काम अगर उन्होंने देखा नहीं है तो वो हम भेजते हैं, तो वो देख सकते हैं, तो उनको एक आइडिया आ जाती है कि किस प्रकार का काम ये करते हैं। और उसी के साथ एक प्रोसेस का प्रेजेंटेशन हम मेल करते हैं, उसमें सब डिटेल में लिखा होता है कि क्या क्या स्टेजेस हैं, आपको पेमेंट कब करना है, सब चीज़ के डिटेल्स उसमें होते हैं। सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो क्लाइंट के एग्जिस्टिंग घर पर होती है या साइट पर होती है। उससे हमें उनके बारे में और उनके घर के बारे में जानकारी मिलने में बहुत आसानी होती है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद नापसंद क्या है, कितने लोग घर में हैं, अरे की उम्र क्या है, क्या आपके सपने हैं इस जगह को लेकर। उसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई फिक्स बजट है जिसके अंदर आपको इंटीरियर का काम करना है, और किस टाइम तक आपको ये कंप्लीट करना है, यानी कि आप आपके घर में कब तक शिफ्ट होना चाहते हैं। इस मीटिंग में ही क्लाइंट से हम अग्रीमेंट में जो प्लान होता है वो, या सेल प्लान होता है वो ले लेते हैं। बहुत बार आजकल जो बिल्डर्स होते हैं वो आर्किटेक्ट्स को या इंटीरियर डिज़ाइनर्स को उनका जो ऑटोकैड का लेआउट होता है वो मेल करते हैं, तो वो भी अगर मिल जाता है तो उसे लेकर हम आगे का स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई मेजरमेंट प्लान अवेलेबल नहीं है तो हम एक्चुअल साइट पे जाके फिजिकली हर एक रूम का मेजरमेंट लेते हैं। उसमें मेजरमेंट के साथ ही अंदर कितनी ऊंचाई है, हर एक दिशाओं को हम नोट करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, और हर एक खिड़की से कौन सा व्यू है ये भी हम नोट कर लेते हैं। इसी के साथ हम जब साइट पे जाते हैं तो स्ट्रक्चरल मेंबर्स को हम नोट करते हैं, कहाँ कहाँ पे कॉलम है ये जानना प्लानिंग के पहले बहुत ज़रूरी है। इससे हमें कितने मॉडिफिकेशंस इस प्लान में पॉसिबल है ये तय करने में बहुत आसानी होती है। अगर स्ट्रक्चरल मेंबर्स को नोट करना या आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हम बिल्डर से या डेवलपर से स्ट्रक्चरल प्लान की एक कॉपी मांग लेते हैं। मेजरमेंट्स लेने के बाद हमें क्लाइंट ने जो भी उनकी रिक्वायरमेंट बताई थी, जिसे हम डिज़ाइन ब्रीफ कहते हैं, उसे ध्यान में रखकर डिज़ाइन ऑप्शंस बनाते हैं। ये जो 2-3 ऑप्शंस होते हैं वो हम इसके नेक्स्ट मीटिंग में क्लाइंट को दिखाकर डिस्कस करते हैं। क्लाइंट को अलग अलग लेआउट दिखाने के बाद और डिस्कशन करने के बाद हर एक लेआउट में जो अच्छा होता है उसे कंबाइन करके हम एक नया फाइनल लेआउट बनाते हैं, और उसी के साथ एक रफ बजट के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेआउट फाइनल होने के बाद हम उन्हें रेफरेंस फोटोग्राफ्स का एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जिसमें अलग अलग स्टाइल्स के फोटोज होते हैं। वो देखने के बाद उन्हें अंदाजा आ जाता है कि एग्जैक्टली उन्हें उनका घर दिखने में कैसा चाहिए। बहुत सिंपल भी हो सकता है, या बहुत डेकोरेटिव भी हो सकता है, या इन दोनों के बीच में दोनों का मिक्सचर हो सकता है। ये समझने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की, यानी 3D स्टेज की तरफ। फाइनल लेआउट के साथ और फाइनल लुक के साथ हम एक 3D मॉडल बनाते हैं जिसके हम उन्हें बाद में व्यूज दिखाते हैं, अगर जरूरत पड़े तो वॉक थ्रू भी दिखा सकते हैं। 3D देखने के बाद उन्हें एक अंदाजा आ जाता है कि उनका घर दिखने में कैसा दिखने वाला है और उनको एग्जैक्टली कितनी जगह मिल रही है। 3D उन्हें दिखाने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से, यानी उनकी पसंद के हिसाब से हम 3D को मॉडिफाई करते हैं, और वो मॉडिफाई किया हुआ जो फाइनल 3D है उसी के ऊपर हम एक फाइनल एस्टिमेट बनाते हैं जो में उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। अभी तक की हमारी जो स्टेजेस थी वो थी डिज़ाइन डेवलपमेंट की स्टेजेस। 3D फाइनल होने के बाद उसके ऊपर हम दो चीज़ें बनाते हैं, एक होता है वर्किंग ड्राइंग का सेट और एक होता है BOQ। वर्किंग ड्राइंग मतलब ऐसे ड्राइंग्स जिसमें हर एक चीज़ का डिटेल होता है, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर से अगर आपको कोटेशन लेना है तो उन्हें डिज़ाइन समझाने के लिए ये ड्राइंग्स बहुत फ़ायदेमंद है। उसी के साथ जो होता है BOQ मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का एक डॉक्यूमेंट होता है, पेपर होता है, जिसमें वो हर चीज़ मेंशन होती है जो कि डिज़ाइन में है, और उसी के साथ एरिया लिखा हुआ होता है और जो रेट
का कॉलम है वो खाली होता है। तो अगर आपको 2-3 कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन लेना है तो आप उन्हें ड्रॉइंग और BOQ देकर उनका कोटेशन ले सकते हैं। कोटेशंस मिलने के बाद आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे सस्ता कोटेशन देकर आपको उन्हें काम नहीं देना है, क्योंकि कोटेशन के साथ ही उनका कोई पहला काम देखना बहुत ज़रूरी है। उनका फिनिशिंग कैसा है, कितने टाइम में उन्होंने पहला काम कंप्लीट किया था, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप किसी को काम दीजिए, वरना सस्ता कोटेशन देकर आप किसी को काम दे देंगे और अगर फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा तो वो एक्चुअली बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर साइट पे काम करने के लिए हमारी जो टीम है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको अपॉइंट अगर आपने किया है तो आपको फिनिशिंग के बारे में और सब बाकी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, इसीलिए इतने साल से वो हमारी टीम में है। कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होने तक साइट पे काम शुरू होने के लिए जो भी तैयारी करनी पड़ती है हम पहले ही कर लेते हैं, जिसमें हम एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल में कॉन्ट्रैक्टर का और हमारा कौन सा पेमेंट कब करना है, इस सब का डिटेल होता है। उसी के साथ कब कब हमें क्लाइंट की ज़रूरत है, क्लाइंट को हमें मिलना पड़ेगा, जैसे कि कुछ मटेरियल सिलेक्ट करना है, कुछ डिजाइन मीटिंग है, उसके लिए जो जो दिन हमें क्लाइंट के साथ रहना है उसके लिए हम उन्हें पहले ही बता देते हैं और उनके साथ बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से दिन पर वो अवेलेबल है और कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। साइट पे काम शुरू होने के बाद हमारी हफ्ते में एक विजिट होती है। हम साइट पर ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, टाइम अगर हमारा शेड्यूल के हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि नहीं और उसका फिनिशिंग कैसा है, इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। साइट पे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है हम फिनिशिंग मटेरियल की शॉपिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें आता है लैमिनेट, वीनियर, जो भी सरफेस फिनिशिंग मटेरियल्स है, उसी के साथ पेंट्स के शेड फाइनल करना, रेडीमेड फर्नीचर जैसे कि डाइनिंग टेबल चेयर्स हैं, स्टडी टेबल की चेयर्स हैं, शायद बेड्स भी अगर आपको रेडीमेड लेने हैं, और अपहोल्स्ट्री यानी कि कर्टन्स आ गए, फैब्रिक्स आ गए और सबसे ज़रूरी लाइट्स, इन सब के लिए हम क्लाइंट के साथ जाते हैं। जैसे ही साइट पे काम फिनिशिंग स्टेज पे आ जाता है, पेंटिंग हो गया, क्लीनिंग शुरू हो गया और रेडीमेड फर्नीचर की भी डिलीवरी हो गई, उसके बाद पूरे घर को सेट करना हम शुरू कर देते हैं और क्लाइंट के पास जो आर्टिफैक्ट्स है वो देखकर अगर कुछ नया आर्टिफैक्ट्स लाने हैं वो कहाँ पे लगाने हैं ये सब हम शुरू कर देते हैं। इसी वक्त होता है कॉन्ट्रैक्टर के फाइनल बिल का चेकिंग, जिसके बाद आती है सबसे फाइनल और लास्ट स्टेज जो कि है हैंडओवर स्टेज, जिसके बाद अगर आपको आपके घर में कोई पूजा करनी है या हाउस वार्मिंग पार्टी देनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसी वक्त हम आपको बताएंगे कि आपको इस घर को कैसे मेंटेन करना है, जो अलग अलग फिनिशेस हैं उसको आप कैसे साफ कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेंगे और आपका घर हमेशा सुंदर दिखेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम ज़रूर आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसे हर वक्त हम जब एक नया वीडियो लेके आएंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड बाकी जानकारी के लिए और हमारे साइट्स के फोटोज़ देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।